हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 8 भाईचारा को अच्छी तरह से रीड भी करेंगे और इसमें जितने भी MCQs यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे वो सब अच्छी तरह से सॉल्व करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं और उनके आंसर तभी दे पाएंगे आप जब आपने अच्छी तरह से पाठ पढ़ा होगा। तो इसीलिए आप ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि पाठ और उसमें दी गई कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाए और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं उनका आंसर आप आसानी से दे पाएं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पाठ 8 भाईचारा। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कहानी दे रखी है बच्चों। कहानी दो खरगोशों की है। दो खरगोश थे, वे सगे भाई थे। उनमें बड़ा भाई सफेद और छोटा सुनहरा था। दोनों मिलजुल कर एक मकान में रहते थे। मकान के आगे फूलों और सब्जियों की क्यारियां तथा फलों का बगीचा था। सफेद खरगोश खेत में गाजर, पालक, गोभी, पत्ता गोभी आदि की फसलें उगाता था। सुनहरा खरगोश बाजार जाकर सब्जियां और फल बेचता था तथा बाजार से खाद, दवाइयां और खाने पीने का सामान लाता था। तो एक बार तो मैं यहीं पर कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ बच्चों, इतने जितना ये पहरा हमने पढ़ा है इसमें आने वाले क्वेश्चंस बताती हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खरगोश जो है वो कितने थे, दो थे, तीन थे, चार थे, तो कितने थे बताओ? दो खरगोश थे और वो सगे भाई थे। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये हो सकता है कि उनका रंग कैसा था, तो देखिए बड़े भाई का सफेद रंग था और छोटे भाई का सुनहरा रंग था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों कहाँ रहते थे, अलग अलग रहते थे या एक ही घर में, तो दोनों एक ही मकान में मिलजुल कर रहते थे। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये हो सकता है कि जो सफेद खरगोश है खेत में क्या क्या उगाता था, क्या क्या उगाता था? गाजर, पालक, गोभी, पत्ता गोभी आदि की फसलें उगाता था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो छोटा भाई था वो क्या काम करता था, तो भी छोटा भाई जो सुनहरा खरगोश था वो बाजार जाकर सब्जियां और फल बेचता था और फिर बाजार से खाद, दवाइयां और खाने पीने का सामान लाता था। अब आगे फिर पढ़ते हैं आगे हम। देखो, दोनों खरगोश भाइयों में बहुत प्यार था। एक दिन खेत में काम करते हुए सफेद खरगोश ने देखा कि बिल्ली का एक बच्चा उसका पिछला पैर पकड़कर रो रहा है। सफेद खरगोश के पूछने पर उसने बताया कि उसके माता पिता नहीं हैं और वह 2 दिन से भूखा है। यहाँ पर देखो एक बार इस पिक को ध्यान से, क्या नजर आ रहा है आपको? ये खरगोश है और ये है बिल्ली का बच्चा और इस बिल्ली के बच्चे ने खरगोश का पैर पकड़ रखा है ना? और इसने क्या कहा? उसने खरगोश को बताया कि उसके माता पिता तो है नहीं और वो 2 दिन से भूखा है। अब सफेद खरगोश को बिल्ली के बच्चे पर दया आई और वह उसको अपने घर ले आया। घर पहुंचकर उसने उसे पीने के लिए कटोरी में दूध दिया और कहा कि आज से तुम हमारे भाई हो, हम दोनों भाई तुम्हें प्यार करेंगे। यह सुनकर बिल्ली का बच्चा खुशी से उछलने लगा। अगले दिन फिर सफेद खरगोश खेत में काम करने चला गया। थोड़ी देर में उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा उसका पैर पकड़कर रो रहा है। खरगोश ने देखा इस बार पैर पकड़ने वाला बिल्ली का बच्चा नहीं
बल्कि एक छोटा सा पिल्ला था। पिल्ला कौन होता है बताओ बच्चों? कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं। वह पिल्ले को भी अपने साथ घर ले आया, उसे दूध रोटी खिलाई और कहा, हम दोनों भाई तुम्हें भी प्यार करेंगे। पिल्ला कई दिनों से भूखा था, रोटी खाकर सो गया। हर रोज की तरह सफेद खरगोश खेत में काम करने चला गया। अब एक बार यहाँ तक के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं बच्चों, एक बार मैं आपसे वो पूछ लेती हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब खरगोश खेत में काम करने गया तो सबसे पहले उसे कौन सा जानवर मिला जिसके जिसने खरगोश के पैर पकड़ लिए? बिल्ली का बच्चा। वेरी गुड। अब जब दोबारा खरगोश खेत में काम पर जाता है तो दोबारा जो है खरगोश के पैर किसके द्वारा पकड़े गए? एक पिल्ले के द्वारा। अब मुझे ये बताओ, क्या बिल्ली के बच्चे को खरगोश अपने घर लेकर आया या वहीं खेतों में छोड़कर आ गया? घर लेकर आया। और पिल्ले को भी खरगोश अपने घर ले आया और उसने कहा कि हम दोनों भाई तुमसे बहुत प्यार करेंगे। अब आगे देखो, थोड़ी देर बाद उसने देखा नेवले का बच्चा उसकी पूंछ पकड़कर रो रहा है। वह भी बिल्ली के बच्चे और पिल्ले की तरह अनाथ और भूखा था। वह सफेद खरगोश से दया की भीख मांगने लगा। खरगोश को उस पर भी दया आ गई और वह नेवले के बच्चे को भी घर ले आया। घर पहुंचकर नेवले के बच्चे ने जब बिल्ली के बच्चे और कुत्ते के पिल्ले को देखा तो उसकी जान में जान आ गई। वह अपना दुख भूल गया और खरगोश के कहने पर उनके साथ मिलजुल कर रहने लगा। अब एक बार यहाँ तक के क्वेश्चन में बताओ मुझे बच्चों, जब तीसरी बार जब खरगोश अपने खेत में काम करने के लिए जाता है तो उसे रास्ते में कौन मिला? किसने पैर पकड़े खरगोश के? हाँ, नेवले के बच्चे ने, है ना। और अब खरगोश के घर में कितने और जानवर हो गए थे? बिल्ली का बच्चा, एक पीला और एक नेवले का बच्चा। तो कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 3 जानवर और, है ना। और 2 खरगोश थे दोनों भाई, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 5। अब आगे है कि 6 महीने बाद फसल तैयार हो गई तो खेत में चूहे फसल बर्बाद करने लगे। बिल्ली के बच्चे ने जब यह देखा वह तुरंत खेत में पहुंचा। उसे देखकर धीरे धीरे सभी चूहे खेत से बाहर चले गए। बिल्ली के बच्चे के ऐसा करने पर खरगोश बहुत खुश हुआ। खरगोश ने खेत में खरबूजे बोए थे। एक सियार रोज खरबूजे खाता और बच्चों के लिए भी ले जाता। कुत्ते के पिल्ले ने जब यह देखा तो उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अंधेरी रात में सियार को दौड़ा दौड़ा कर खेत से बाहर कर दिया। अभी खरगोश को चूहों व सियार की परेशानी से छुटकारा मिला ही था कि खरगोश ने देखा एक काला सांप उसके पीछे पड़ गया। वह घर की तरफ भागा। तभी नेवले के बच्चे ने सांप को देखा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरह रास्ते में मिलने वाले तीनों भाइयों ने खरगोश भाइयों की परेशानी दूर की। सफेद खरगोश बहुत खुश हुआ और बोला, आज से हम 2 नहीं 5 भाई हैं। उसके बाद पांचों उस घर में चैन से रहने लगे। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछती हूँ। आप मुझे बताओ अब कि खेतों से बाहर चूहों को किसने भगाया? किसने भगाया था बताओ? बिल्ली ने। वेरी गुड। और एक सियार भी है और सियार जो है वो रोज खरबूजे खा जाता था, तो सियार को जो है वो किसने भगाया? सियार को दौड़ा दौड़ा कर खेत से बाहर किसने किया था? कुत्ते के पिल्ले ने। वेरी गुड। अब एक सांप भी था, काला सांप,
उसको किसने भगाया था बताओ? उसको नेवले के बच्चे ने। हाँ, देखकर क्या किया उसने? उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, यानी कि उसको मार दिया। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा ना कि खरगोश दो थे, है ना, और दो भाई थे, और वो दो भाई से पांच भाई बन गए। तीन भाई और कौन थे बताओ? हाँ, बिल्ली का बच्चा, एक कुत्ते का बच्चा यानी कि पिल्ला, और एक था नेवले का बच्चा। तो पांचों भाई अब मिलकर खुशी खुशी से रहने लग गए थे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, पूरी अच्छी तरह से सुने, ताकि आप जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, उनको आप अच्छी तरह से सोल्व कर सकें। तो बच्चों, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पाठ के अभ्यास में भी कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे, उन सभी को हम अच्छी तरह से सोल्व करना सीखेंगे। तो बच्चों, हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में इस पाठ के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।